हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और ये अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें प्रमेय और डेरिवेशन दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो ये देखिए, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा कह रहा है कि स्थिर वैद्युतकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो आपको डेरिवेशन भी करना है, सो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो गॉस का प्रमेय जो है वो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स और आवेश से रिलेटेड है, ठीक है? तो इस प्रमेय के अनुसार अगर इस प्रमेय की बात करें कि कहना क्या चाहता है ये प्रमेय, तो वैद्युत क्षेत्र में जो है वो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में हम कोई बंद पृष्ठ ले लेते हैं, कोई भी छोटा सा बंद पृष्ठ ले लेते हैं, और उससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ से संबंधित यानी कि उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश जितना होगा उसका 1/ε0 गुना होगा, ठीक है? तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। एंड इसी जो है वो प्रमेय को हमें प्रूफ करना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हमारा फॉर्मूला होता है गॉस के लिए, ठीक है? तो यही हमको प्रूफ करना है इस वीडियो में। तो देखिए, प्रूफ में देखिए इन्फॉर्मेशन आपको लिख देना है ऐसा एक चित्र बना के, और इस चित्र के बारे में लिख देना है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी इन्फॉर्मेशन को लिखें, आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं। बस ये समझ में आना चाहिए कि इस कुछ जो चित्र है उसी से रिलेटेड आपका जो मैटर होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि माना एक बंद पृष्ठ ए लिया गया है, ठीक है, जिसमें प्लस क्यू बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक है, और इससे जो है वो स्मॉल आर दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु पी है, वह वहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पी पर हमने एक लघु अवयव डी ए लिया है, ठीक है, और डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितनी होगी वो हमें गणना करनी है। तो इससे इससे इसके लिए जो है वो एक बहुत छोटा सा स्टेप है, आपको याद रखना होगा कि देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई इक्वल्स टू होती है 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक आवेश के लिए होती है, ठीक है, कुलाम का नियम 2 आवेश के लिए होता है, लेकिन ये एक बिंदु आवेश यानी कि एक बिंदु पर स्थित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गई, ई बराबर 1/4π0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अब अगर इसकी दिशा की बात आएगी तो चूंकि प्लस क्यू आवेश रखा गया है इसीलिए जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं, यानी कि प्लस क्यू आवेश से निकल कर बाहर की ओर जाती हैं, तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ओ से पी की तरफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया है बिंदुओं पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल बिंदु पी पे एक डी ए यानी कि बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है, और उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा है डी फाई ई। डी फाई ई मतलब बहुत छोटा जो है वो वैद्युत फ्लक्स उससे गुजर रहा है। तो डी फाई ई बराबर हम जानते हैं वेक्टर ई इंटू ए वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा के रूप में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम एक समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि आगे चल के हमारा यही इसी को हम पार्ट बाई पार्ट करके अगर जोड़ देंगे तो पूरे जो पृष्ठ है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो ये तो हुआ एक छोटे से लघु अवयव जो लिए हैं उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वेक्टर ई और डी ए वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो ई डी ए कॉस थीटा हुआ, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में ई का मान समीकरण नंबर 2 से रखने पे, अब यहाँ पे जब समीकरण नंबर 1 2 में जो है वो समीकरण नंबर 1 से ई का मान रख देने पे, तो यानी कि समीकरण नंबर 2 जो है डी फाई ई बराबर ई ई डी ए कॉस थीटा, उसमें ई की जगह पे हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 से 1/4π0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा कंबाइन होकर हो जाएगा कि क्यू अपॉन 4π0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डी ए कॉस थीटा पहले से मौजूद है और ई का मान रखेंगे तो हमारा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आप पहले से भी जानते होंगे कि बिंदु ओ पर आंतरित घन कोण है, जो आप यहाँ पे चित्र में यहाँ देख पा रहे होंगे, बिंदुओं पे डी ओमेगा जो है वो घन कोण है,
ठीक है, तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि अब इसके बाद से क्या किया है। तो देखिए डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल डीए पर द्वारा बिंदु ओ पर आंतरित घन कोण डी ओमेगा है। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो तो हो जाएगा, और डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम डी ओमेगा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये घन कोण है। अब देखिए दोस्त, अब तो ये छोटे अवयव के लिए जो है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हुआ, अब संपूर्ण बंद पृष्ठ ए से अभिलंबोत निर्गत वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना होता है। तो फाई ई, ये जो फाई ई है वो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो फाई ई बराबर सर्कुलर इंटीग्रल वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर, या फिर डी फाई ई लिख सकते हैं हम इसके जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी फाई ई अगर लिखेंगे तो क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो जो एक अचर है उसको हम बाहर कर लेंगे, और सर्कुलर इंटीग्रल डी ओमेगा, और डी ओमेगा जो है वो संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर आंतरित घन कोण है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 4 पाई स्टेरेडियन होता है। इसका मान आप ध्यान में रखेंगे कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू इंटीग्रेशन डी ओमेगा का हो जाएगा हमारा 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई अंश और हर में कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यही जो है वो हमारा गॉस का प्रमेय है। तो आई थिंक आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हुआ होगा कि गॉस का प्रमेय का डेरिवेशन कैसे करना है, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है। एक बार और स्टेटमेंट की बात करें तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, यहाँ पे आप बंद पृष्ठ ए देख पा रहे होंगे पूरा, और इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो इस पृष्ठ से परिबद्ध यानी कि इस पृष्ठ पे जितने भी आवेश हैं उन कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होगा। और सबसे पहले हम बिंदु ओ पे प्लस के आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और उसके बाद से जिस बिंदु पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वहाँ पे एक लघु अवयव डीए लेंगे और उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और ऐसे ही ऐसे कई सारे वैद्युत फ्लक्सों को छोटे छोटे लघु अवयवों को अगर जोड़ देंगे तो पूरा जो है वो पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश से गुजर कुल जो पृष्ठ से परिबद्ध जो हमारा है उससे गुजरने वाला पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो फाई ई बराबर हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा, और यही दोस्तों गॉस का प्रमेय है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एंड ऐसी ही अगर छोटी छोटी वीडियोस देखना चाहते हैं जो 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।